बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, हेंस डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ करंट। क्या है जरा ध्यान से देखना, यहां पे हमारे पास दो स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं जिनमें करंट है, और मान लेते हैं कि उनमें करंट है सेम डायरेक्शन में, पैरेलल कंडक्टर्स हैं, ठीक है, पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर का नाम दे दो वन और टू, इसमें करंट है आई वन, इसमें करंट है आई टू। अब क्या करेगा, ये अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो इसकी बनाई हुई मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ये भी अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जो इसकी बनाई हुई मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। और आप जानते हो कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगती है आई एल बी साइन थीटा। इस वाले कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है इस जगह पे उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इन टू द प्लेन। इस वाले कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कैसे होगी, इन टू द प्लेन, है ना, अंदर जा रहा हाथ, इन टू द प्लेन। इस वाले कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड यहां होगी इन टू द प्लेन। तो यहां पे जरा मैं इन टू द प्लेन को हम कैसे दिखाते, क्रॉस से, तो यहां पे अपन ने क्रॉसेस बना दी, ठीक है। वो मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी, ये वेरी लॉन्ग कंडक्टर्स हैं, तो वेरी लॉन्ग कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है, वेरी लॉन्ग कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है आर डिस्टेंस पर, वेरी लॉन्ग कंडक्टर के लिए आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती है, वो होती है म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। तो इसकी जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, वन वाले के जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम बी वन नाम दे देते हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट आई वन बाय टू पाई आर, और ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इस पे फोर्स लगेगी एफ टू ड्यू टू वन। सिंबल्स का ध्यान रखना, फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू वन, जो कि क्या होगी, लिख देता हूं मैं इसको, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू सेकेंड कंडक्टर ड्यू टू वन, जो कि क्या होगी, फोर्स होती है आई, आई मतलब इसमें करंट जो कि है आई टू, किसी भी जो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उस पर फोर्स होती है आई एल बी साइन थीटा, आई मतलब उसमें जो करंट है, तो इसमें करंट है आई टू। एल मान लेते हैं इसकी लेंथ, बी मतलब जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो रखा है, और ये रखा है बी वन में, और साइन थीटा, थीटा है एल और बी के बीच का एंगल, एल ऐसे बी ऐसे, तो साइन 90, साइन 90 होता है 1। अब यहां पे आप बी वन की वैल्यू डाल दो और एल को इधर ले जाओ, तो एफ टू वन डिवाइडेड बाय एल, आई टू इंटू बी वन, बी वन है म्यू नॉट, तो ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट आई वन आई टू बाय टू पाई आर, यानी इतनी फोर्स इस पे लगेगी। और अगर आप निकालते फोर्स ऑन वन, अभी हमने क्या निकाली, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स है, तो उस केस में हमने बी वन लिया जहां आई वन आया और एफ टू में आई टू आया, लेकिन अगर आप निकालते इसकी वजह से इस पे जो फोर्स है, ये भी तो इसकी बनाई हुई मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स है उसके लिए आप निकालते बी टू, तो यहां आई टू आता, और फिर यहां निकालते एफ वन, तो यहां आई वन आता, अल्टीमेटली आपको एक्सप्रेशन यही मिलना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसे आप याद रखो कि जब दो कंडक्टर्स पैरेलली, करंट कैरिंग कंडक्टर्स पैरेलल प्लेस्ड हो, तो दोनों एक दूसरे पे इतनी फोर्स लगाते हैं पर यूनिट लेंथ, एल से मैंने डिवाइड करके पर यूनिट लेंथ, और डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, देखो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे ऐसे घूम के, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है राइट हैंड थंब रूल से, यहां पे क्या आउटवर्ड्स, है ना, तो आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड हम दिखा देते हैं डॉट से, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड्स, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से जरा हम पता लगाएं कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, यहां पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स होगी इस तरफ, है ना, थंब से फोर्स पता चलता है, तो फोर्स होगी इस तरफ, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F21, और इस पे फोर्स कैसे होगी, इसमें करंट ऊपर की तरफ है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, करंट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है, ऐसे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है, तो इसमें फोर्स आ गई इधर, इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट, दिस इज द फोर्स F12।
ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. तो दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव, एफ फोर्स इज अट्रैक्टिव, फोर्स इज अट्रैक्टिव व्हेन करंट इज इन, करंट इज इन सेम डायरेक्शन. अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव है. ठीक है, अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव है. और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, करंट इसका इधर लेके देखो फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाओ, फ्लेमिंग्स रूल लगाओ, तो आपको पता चलेगा कि फोर्स इज रिपल्सिव. इसे 1-2 लिखने की जरूरत नहीं थी. फोर्स इज रिपल्सिव व्हेन करंट इज इन एंड रिपल्सिव व्हेन करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, ये याद रखना है आपको. लेकिन दोनों ही केस में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो सेम आएगा. फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दोनों केसेस में वो आएगा म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई आर. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि ये कंडक्टर्स, एक बार समराइज कर लेते हैं, ये पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स एक दूसरे को इतनी फोर्स पर यूनिट लेंथ से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे. फोर्स अट्रैक्टिव तब होगी जब दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, और रिपल्सिव तब होगी जब दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है. अब कहता है कि हेंस डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ करंट. एसआई यूनिट ऑफ करंट होती है एम्पियर. तो एम्पियर डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम यहां पे आई वन को और आई टू को, दोनों को अगर हम 1 एम्पियर रख लें और आर को हम रख लें 1 मीटर. आई वन आई टू दोनों को 1 एम्पियर रख दो और आर को 1 मीटर. तो 1 1 1 म्यू नॉट बाई 2 पाई बचेगा. म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷. म्यू नॉट होता है 4π × 10⁻⁷. 4π से 2π कटेगा, ऊपर 2 बचेगा, तो 2 × 10⁻⁷. ये पूरा क्या बचेगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट होगी. तो हम ये बोलते हैं कि करंट जो है वो 1 एम्पियर कहलाता है अगर हम वो करंट दो पैरेलल कंडक्टर्स में से पास करें जो 1 मीटर की दूरी पे रखे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर की लेंथ से अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे. 1 एम्पियर वो करंट है जो दो पैरेलल कंडक्टर्स में से पास किया जाए जो 1 मीटर की दूरी पे रखे हैं, तो वो एक दूसरे को 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर की फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करने लगे. राइट, तो इसको हम डिफाइन करेंगे. 1 एम्पियर इज द करंट विच वेन फ्लोइंग इन ईच ऑफ पैरेलल कंडक्टर्स placed at separation 1 meter in vacuum exert a force of 2 × 10⁻⁷ newton on 1 meter length of either wire. यहां पे यूनिट लिख लेना न्यूटन, ऑन 1 meter लेंथ ऑफ इधर वायर. ठीक, समझ में आया. जो 1 एम्पियर है यानी ऐसा यूनिट करंट की, और करंट जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और एम्पियर एक फंडामेंटल यूनिट है. तो इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये चीज इस टॉपिक को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है. बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में ये टॉपिक आया हुआ है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. ठीक है,